दीपावली पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इजाफा दिख रहा है। टू व्हीलर की बिक्री में रफ्तार देखी जा रही है। दीपावली के अवसर पर मथुरा के प्रसिद्ध ब्रज हीरो के शोरूम पर बड़ी संख्या में लोग टू व्हीलर खरीदते हैं और बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान शोरूम के संचालक विजय चतुर्वेदी और पार्थ चतुर्वेदी ने बताया कि इस बार पहले की तुलना में टू व्हीलर की खरीदारी में इजाफा हुआ है और लोगों में उत्साह भी दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं ब्रज के हीरो शोरूम में दीपावली पर किस तरह खरीदारी हो रही है। दीपावली पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बढ़ोतरी आई, यानी खरीदारी बढ़ी है, और इसी की जानकारी के लिए दीपावली पर किस तरह का रेस्पॉन्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ रहा है, और क्योंकि टू व्हीलर्स की बिक्री बढ़ी है, आज हम पहुंचे हैं मथुरा में हाईवे स्थित ब्रज हीरो के शोरूम पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रज हीरो का ये शोरूम हम आपको दिखा रहे हैं कि मोबाइल सेक्टर्स में यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लग रही है, लगातार ग्राहक बुक करा रहे हैं, खरीद रहे हैं, यानी कि ग्राहकों की भीड़ यहाँ देखी जा सकती है कि बड़ी संख्या में ग्राहक ब्रज हीरो पर आ रहे हैं, क्योंकि दीपावली धनतेरस के एन वक्त पर खरीदारी बढ़ जाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और जहाँ तक हम ब्रज हीरो की बात करें तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में ग्राहक यहाँ पर आए हुए हैं, शोरूम पर खरीदारी कर रहे हैं और बुकिंग करा रहे हैं धनतेरस के लिए, जो कि एक बड़ी खरीदारी होती है। और जो ब्रज हीरो शोरूम है हाईवे पर, ये बहुत काफ़ी प्राचीन और प्रमुख शोरूम माना जाता है मथुरा का, और यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और इस शोरूम के जो संचालक हैं, जो ऑनर हैं, विजय चतुर्वेदी, मैं उनसे बात करूंगा। जिस तरीके से दीपावली का पर्व और धनतेरस है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में खरीदारी बढ़ी है, कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है? निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं हीरो मोटोकॉर्प को मथुरा रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो 21 सालों से वर्ल्ड की दोपहिया वाहन की एक मात्र सर्विस कंपनी है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कंपनी के द्वारा जो इस समय 17 तारीख से 27 तारीख के बीच में जो स्कीम दी है। अच्छा, क्या स्कीम है वो? स्कीम में ये है कि उनके द्वारा करीब 5200 रुपये की SFD लक्ष्य पे, जो BS4 के टाइम पर भी इतनी बड़ी स्कीम कभी नहीं आई। तो जब से ये स्कीम आई है तो कस्टमर का रुझान हीरो की तरफ बहुत बड़ा है, और हम ये देख रहे हैं रोज़ बुकिंग बढ़ती जा रही है। कल के लिए भी मैं बात करूं तो मेरे पास में करीब 320 गाड़ियों की बुकिंग है। अगर हम बात करें ओवरऑल, तो टू व्हीलर्स में मैक्सिमम किस तरह के लोग पसंद कर रहे हैं इस बार टू व्हीलर्स में? हमारी स्प्लेंडर मॉडल जो है वो सबसे पसंदीदा है, रिच है। हाँ, रिच है, और उसमें निरंतर ग्रोथ आ रही है। बाकी डीलक्स गाड़ी पे स्कीम देने से एक नई तरह से उसमें उछाल आया है, तो रिटेल हम अभी भी 20% से ज़्यादा पूरे साल में चले आ रहे हैं, रिटेल ग्रोथ है। तो हमें विश्वास है कि इस दिवाली एक कस्टमर की दिवाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स के वाहनों में किस तरह की सेल हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक के वाहनों में बहुत विशेष रूप से कोई नंबर नहीं आते, हम लोग वाहन का डेटा लेते भी हैं, तो एक हवा जैसी है। अभी हमारे कंपनी के द्वारा भी एक वाहन 7 तारीख को लॉन्च किया है विदा के नाम से, सीरीज पूरी की पूरी, और उसकी भी बड़ी अच्छी बुकिंग हुई है। जो कंपनी ने 2500 रुपये के हिसाब से बुकिंग मांगे, 35000 बुकिंग हमारे पास में रिपोर्टेड हैं। अगर हम देखें लास्ट ईयर से, तो इस बार का कैसा रेस्पॉन्स है? लास्ट ईयर से निश्चित रूप से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, और स्कीम के वास्ते विशेष रूप से रुझान बढ़ा है। जिस तरीके से रेस्पॉन्स आ रहा है टू व्हीलर्स को लेके, और दीपावली धनतेरस का है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ ब्रज हीरो पर लगी हुई है। यहाँ अगर हम बात करें तो फाइनेंस को लेकर किस तरह की व्यवस्था ब्रज हीरो करता है? गोविंद जी, हमारे पास सभी फाइनेंसर्स उपलब्ध हैं, सभी टू व्हीलर फाइनेंसर में जो नामी फाइनेंस कंपनी है उनका प्रोडक्ट अवेलेबल है, और इस समय हमारे पास 3500 रुपये तक की स्कीम अवेलेबल है कि कस्टमर सिर्फ 3500 रुपये दे के घर गाड़ी ले जा सकता है। और इस समय जो फाइनेंस का रेशियो भी आ रहा है, तो करीब 85% गाड़ियाँ फाइनेंस में जा रही हैं और 15% गाड़ियाँ कैश में जा रही हैं, तो फाइनेंस से लोगों को एक अफोर्डेबिलिटी मिल रही है। प्रीमियम मॉडल्स पे भी लोग मूव कर रहे हैं, जो एक हमारे एंट्री लेवल से भी उठ के जो हमारे स्प्लेंडर हो गए, ग्लैमर हो गए, पैशन हो गए, इन गाड़ियों पर भी कस्टमर जा रहा है, और जो प्रीमियम में जा रहा है वो एक्सट्रीम एक्सपल्स जैसे सेगमेंट पर भी जा रहा है। बेसिकली मैं बात करूं जिस तरीके से लास्ट ईयर के रेस्पॉन्स, इस बार के रेस्पॉन्स में क्या आपको लग रहा है, जो दो साल से कोविड से भी लोग जूझ रहे थे? जी, इस बार कोविड का, जैसे हम ही सब जानते हैं, कोविड का इम्पैक्ट नहीं रहा है, कोविड अब हमारे बीच में नहीं है, यही मान के चल रहे हैं हम, तो हमें पिछले साल की तुलना में करीब 20% की ग्रोथ अभी तक आ रही है। और जो आपने सवाल किया था ईवी को लेकर, ईवी के की भी अगर मैं रजिस्ट्रेशन की डाटा की बात करूँ, तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, मथुरा जिले में, अब
पूरे साल से जनवरी से लेकर अभी तक हम सितंबर की बात करें तो 584 गाड़ी ईवी रजिस्टर हुई हैं, जिसके जो हम आइस इंजन बोलते हैं, जो इंटरनल कम्बशन जो पेट्रोल की गाड़ियां बोलते हैं, वो 25,000 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। तो 25,000 की तुलना में ईवी बहुत अभी छोटा नंबर है। 584 मेरे ख्याल से ग्राहकों में अभी शायद जो अवेयरनेस और प्लस जो अभी फायर के सुरक्षा के जो अभी इंसिडेंट्स हुए हैं उनको लेके शायद कुछ चिंता है, इसलिए शायद ईवी की तरफ रुझान कम है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, क्योंकि काफ़ी प्रमुख शोरूम माना जाता है ब्रेजीरो का, क्या डिफरेंट है, क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पर, हम अगर टू व्हीलर्स में बात करूँ तो? सो इस बार कंपनी ने हमारे बहुत एक्सटेक करके रेंज पे लॉन्च की हैं। तो एक्सटेक एक बहुत ही टेक्नोलॉजी के हिसाब से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और सारे फीचर उसमें दिए गए हैं कि आप रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, तो एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड व्हीकल हमारे यहाँ से कंपनी ने दिया है। तो वो गाड़ियाँ हमारे पास हैं और सभी मॉडलों में एक्सटेक, जैसे ग्लैमर एक्सटेक आती है, स्प्लेंडर एक्सटेक आ रही है, पैशन एक्सटेक आ रही है और कस्टमर उसको पसंद कर रहा है। तो एक ये हम जो सादा गाड़ियाँ चलाते थे, जो एक जिसमें सिर्फ कस्टमर रेस चलाता था, मोटरसाइकिल चलाता था, उसमें अब टेक्नोलॉजी के साथ भी बहुत सारी नए फीचर्स आने लगे हैं। क्या फीचर्स हैं अगर हम टू व्हीलर्स लेते हैं या कोई मोपेड लेते हैं या हम स्कूटी लेते हैं या कोई इस तरह का लेते हैं? तो जो हीरो की गाड़ियों की खासियत है, इस समय उसमें 16 सेंसर आते हैं। तो हाँ जी, 16 सेंसर आते हैं जो किसी और मैन्युफैक्चरर में अभी नहीं आते हैं। 16 सेंसर में ऑक्सीजन सेंसर आता है, साइड स्टैंड सेंसर आता है, जो सुरक्षा मानकों के हिसाब से कि कस्टमर ऐसा नहीं हो कि एक साइड स्टैंड लगा के गाड़ी चला रहा है तो हमारी यहाँ गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है साइड स्टैंड अगर खुला होगा तो। और ऑक्सीजन सेंसर है कि गाड़ी जो सही मात्रा में ऑक्सीजन के साथ तेल जला रही है कि नहीं, जो प्रदूषण कम कर रही है, BS6 गाड़ी में प्रदूषण के मानकों के अनुसार है। फॉल सेंसर भी, अगर गाड़ी जैसे टेढ़ी हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी तो इंजन अपने आप बंद हो जाता है। इसके अलावा हमारी गाड़ी में ब्लूटूथ जैसे अन्य फीचर भी आ रहे हैं कि कस्टमर को कॉल हो सकता है या उसको नेविगेशन आ सकता है कि टर्न राइट टर्न लेफ्ट, ऐसे फीचर भी आने लगे हैं। आपने कहा किस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के प्रसिद्ध ब्रज हीरो शोरूम पर, जो कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे तमाम कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं। टू व्हीलर्स की बिक्री बढ़ी है क्योंकि दीपावली पर अक्सर होता है धनतेरस के मौके पर, और जिस तरीके से जो हीरो के जो तमाम जो नए फीचर्स जो आ रहे हैं वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं टू व्हीलर में, और हमें उम्मीद है कि इस बार ज़रूर ये सेक्टर में और बढ़ावा मिलेगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ मथुरा की जनता के लिए कि हमारे द्वारा इस साल एक और तोहफे के रूप में यमुनानगर पे लक्ष्मी नगर में एक बहुत बढ़िया शोरूम खुला है। निश्चित रूप से कंपनी के द्वारा इतना तो उसको प्रशंसा मिल रही है, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ, नए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो निश्चित रूप से मैं अनुरोध करूँगा लोगों से कि उधर की जनता वहाँ ज़रूर सर्विस कराए। ब्रज हीरो का नया शोरूम जमुना पार खुला है, लक्ष्मी नगर जमुना पार में ब्रज हीरो का एक शोरूम खुला है, वो भी काफ़ी शोरूम महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वहाँ तमाम डिस्टेंस को वो शोरूम कवर करता है। तो इजीली जो कन्वेंसिंग लोग हैं वो वहाँ से भी जाके शोरूम से भी बाइक परचेस कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है इस बार टू व्हीलर्स और हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर बात करें तो निश्चित ही ब्रज हीरो काफ़ी प्रमुख है और काफ़ी अचीवमेंट ब्रज हीरो का मथुरा में रहता है। जिसका पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।